आप जो भी काम करें बड़ा सोच के करें, विचार के करें और समझ के भी करें, क्यों कहीं आपका दान कहीं पाप के भागीदारी तो नहीं हो रहे, कहीं आपका पुण्य पाप में तो नहीं बदल रहा है। इसी को देख करके हर समझ करके दान देना चाहिए। वैसे तो दान करने से धन नहीं घटता है, लेकिन दान कैसा आपका जा रहा है, कहीं दान पाप में तो नहीं बदल रहा है, इसी को सोच समझ कर दान देना चाहिए। नहीं या हाँ, आप जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि हमारा पुण्य दान दान में जा रहा है या पाप में जा रहा है। एक बार आप दान न दो वो बेहतर है। अगर दान किया हुआ धन, दान किया हुआ अन्न आपका व्यर्थ में चला जाए तो वो बहुत बड़ा पाप बन सकता है। इसी को देखते हुए आप हर समय विचार करके कार्य कीजिए, आपका कार्य अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। दान कई प्रकार के होते हैं। बाड़ी का दान कीजिए, जो लोग बाड़ी देने लायक हैं उसका दान कीजिए। आप अन्न का दान कीजिए, जो लोग संत भूखे हैं प्यासे हैं उनको आप भूख प्यास का दान कीजिए। आप अन्न का दान कीजिए, आप शिक्षा का दान कीजिए, आप अपने बाड़ी द्वारा बताए हुए कार्यों में रुचि रखना चाहते हैं तो आप शिक्षा का दान कीजिए। धर्म संस्कार का दान कीजिए, लोगों को दया धर्म संस्कार सिखाइए, वो भी एक सबसे बड़ा पुण्य है, वो भी एक सबसे बड़ा दान है। उस परमात्मा के परम भक्त को संसार में बहुत कम मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ हमें परमात्मा अवश्य हमारे पेट के लिए कुछ न कुछ भेजेगा। लेकिन जो उससे पैदा करते हैं, काफ़ी संत ऐसे हैं, भिकमंगे ऐसे हैं जो उससे अपने घर का खर्चा भी चलाते हुए उससे आप पैदा करते हैं, उससे वो सर्व काम करते हैं, उससे अपने ऐयाशी ऐश आराम भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, मंदरा का भेज बच्चड़ भी करते हैं और मांस का आहार भी करते हैं। ऐसे ऐसे हमने संत महात्मा गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों को दान देना और दान उनका लेना भी महापाप है। आपका दान दिया हुआ कहीं किसी के घर में कलेश तो पैदा नहीं कर रहा है? एक बार आपने किसी महात्मा को दान दिया, उसने जाके किसी चौराहे पर किसी बाजार में जाकर के आपका दिया हुआ अन्न वो बेच दिया, बेच करके उसके पास में जो धन आया उसने उस ठेके पे जाके क्वार्टर खरीदा, उसको उसने पी लिया, पीने के बाद में अपने घर पे पहुंचा तो उसने घर वालों से दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया। इतना दुर्व्यवहार किया कि हद से ज़्यादा बात बिगड़ गई। बात बिगड़ने के बाद में उसके घर का सर्वनाश हो गया, तहस नहस हो गया। बीवी बच्चे कहीं भटक रहे हैं, वो कहीं भटक रहा है, अपने एक एक अन्न के दाने को सभी घूम रहे हैं। तो आपका दान वो दया हर समय वो पुण्य नहीं वो पाप में बदल जाता है। तो आप भी अपने दान को सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका दान कहीं घातक तो नहीं बन रहा है। आप विचार करके दान कीजिए, जो जैसा लायक है उसे वैसा ही दान दीजिए, क्योंकि हर दान हर नहीं कोई झेल सकता है। वैसा ही एक अन्न दान होता है, उसी को दीजिए जो भूखा है, पैसा उसी को दीजिए जिसे आवश्यकता है, गौदान उसे दीजिए जो उसकी सेवा कर सकता है, कन्यादान उसे दीजिए जिसको कन्या की आवश्यकता है, क्योंकि जिसे जैसे जिसकी आवश्यकता होती है वो वैसे ही उसकी ज़रूरत के अनुसार उसके प्रति हासिल रहता है। ऐसा ही आपका दान हर समय उचित ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसे ही आपका दान उस समुद्र की गहराइयों में पहुँचे जहाँ आपका पुण्य परम शक्ति परम ज्ञान के रूप में संसार में बिखर जाए। वही तो ज्ञान है, वही तो सबसे बड़ा दान है।
आप निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आप करुणामय बने, आप दयावान बने, आप दानवान भी बने, आपके लोगों के साथ में जुड़े रहें। आपको परम शक्ति परम ज्ञान की आवश्यकता है। आप हमेशा ज्ञान को लेते रहिए, आपका हमेशा उस परमात्मा से मिलन अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।